हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल की सर्दियों की सुबह की दिनचर्या शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैंने अपने लड्डू गोपाल को सुबह बहुत ही प्यार से जगा लिया था। उसके बाद मॉर्निंग में मैं लड्डू गोपाल को सबसे पहले दूध और बिस्किट का भोग लगाती हूँ। तो मैंने जो सबसे पहले बाल भोग होता है उसे मैंने कान्हा जी को लगा दिया था। तो चलिए आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने कान्हा का सुबह का स्नान। तो मेरे लड्डू गोपाल ने अभी ये गर्म स्वेटर पहनी है, तो चलिए इसे हटाते हैं और कराते हैं अपने लड्डू गोपाल का आज सुबह का स्नान और श्रृंगार आप लोग के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे लड्डू गोपाल का चैनल, मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए। तो चलिए हम लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से स्नान कराते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप उनका ध्यान एक छोटे बालक की तरह रखिए, प्रेम से उनकी सेवा करिए। आपके लड्डू गोपाल बहुत ही खुश हो जाएंगे, बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। और इस टाइप की वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि अब आप लोगों के साथ डेली लड्डू गोपाल से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आप लोग के साथ ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, कराते हैं अपने कान्हा जी को स्नान। तो हमारे कान्हा जी स्नान के लिए रेडी हो गए हैं। तो सुबह सुबह जब लड्डू गोपाल का स्नान पूजा सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे पूजा की हम सारी तैयारी कर लेते हैं, मतलब लड्डू गोपाल के स्नान के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराने से पहले थाल में कुछ पुष्प और तुलसी पत्र रखती हूँ, अष्टदल कमल बनाती हूँ और उसी में लड्डू गोपाल को बिठाकर स्नान कराती हूँ। तो लड्डू गोपाल का स्नान आपको इसी तरीके से कराना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं तो लड्डू गोपाल को आप जब भी स्नान कराते हैं तो आप जल को हल्का गुनगुना कर लीजिए। इसके बाद ही आपको लड्डू गोपाल को सर्दियों में गुनगुने जल से ही स्नान कराना है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल का जल थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, इसके बाद ही स्नान करेंगे। तो ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल के स्नान के लिए ये कांसे की थाली मैंने ली है, इसको मैंने यहाँ पर रख लिया है। और ये हमारा चंदन है। तो यहाँ पे थाल पे सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाएंगे, लड्डू गोपाल को यहाँ पे विराजित करेंगे। तो इस तरीके से आपको अष्टदल कमल बना लेना है थाल में। इसके बाद यहाँ पे एक तुलसी का पत्र रख लीजिए और कुछ पुष्प को ऐसे सजा लीजिए, इसे में बिठाकर हम लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। तो आज के समय में जो सत्य की राह पे है उसका रथ स्वयं हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी चलाते हैं, क्योंकि कलयुग है और कलयुग के समय में जो भी हमारे बांके बिहारी का हाथ थाम लेता है, हर कैसी भी परिस्थिति हो, लड्डू गोपाल उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ते। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप भगवान की नित्य सेवा करते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते हैं, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। आपके जीवन में कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना जाए, अगर आप भगवान का हाथ हमेशा पकड़े रहते हैं तो कितनी भी कठिन परिस्थिति होगी आपको रास्ता जरूर दिखाई देगा। तो ये हमारे प्यारे नटखट हैं, मैं इनका स्नान करा रही हूँ और मुझे इनकी सेवा करके मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक शांति का अनुभव होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जिस दिन मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ अपने बाल गोपाल कान्हा की, तो मेरा पूरा दिन खाली खाली सा लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है। तो अगर आप भी बांके बिहारी की सेवा लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं और आपको कुछ दिन में अनुभव होने लगेगा कि इनकी पूजा करने से आपका मन कितना शांत रहता है, एकदम आपको अलग सी एक ऊर्जा का फील होगा। तो जो मेरा अनुभव है मैं वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मेरे जीवन में कई ऐसे अनुभव हुए हैं, कभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लड्डू गोपाल की अगर आप बहुत अच्छे से सेवा करेंगे तो हर कंडीशन में लड्डू गोपाल को आप अपने पीछे खड़ा पाएंगे। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं इस तरीके से। और आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही खुश हैं, बहुत ही अच्छे से स्नान कर रहे हैं।
सकते हो। इस तरीके से आप विंटर में लड्डू गोपाल का स्नान कराइए, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करिए। तो चलिए इसके बाद हम एक टॉवल की हेल्प से कान्हा जी को बहुत अच्छे से पोंछ लेंगे। उनके उन पानी मतलब एक भी नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें उन्हें पोंछ लेना है। एकदम छोटे बालक की तरह उनका खास ख्याल रखिए। तो ये लड्डू गोपाल की नैपी ड्रेस है जो कि मैंने घर पे बनाई है। ये पहनाने में काफ़ी कंफर्टेबल लगती है और डिजाइन भी इसका बहुत प्यारा है। तो चलिए लड्डू गोपाल को हम स्नान कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। तो सबसे पहले मैं उन्हें नैपी ड्रेस पहना देती हूँ अपने नटखट कान्हा को। तो हमारे बाके बिहारी ठाकुर जी ने नैपी ड्रेस पहन ली है। तो कान्हा का स्नान हो चुका है, चलिए अब इन्हें ड्रेस पहनाते हैं। तो ये डार्क रानी कलर की ड्रेस है वेलवेट की, आज मैं यही वाली ड्रेस लड्डू गोपाल को पहनाने वाली हूँ। तो वैसे मैं ज़्यादातर लड्डू गोपाल को अपने हाथ की बनी ही ड्रेस पहनाना पसंद करती हूँ, लेकिन आज ये ड्रेस मैंने लास्ट जन्माष्टमी में ये ड्रेस बेंगलोर से ली थी, तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल को यही वाली ड्रेस पहनाऊंगी। आज मेरा इसी ड्रेस को पहनाने का मन हो रहा था। ये ड्रेस काफ़ी सॉफ्ट है और ये मैचिंग की पगड़ी भी है, तो देखते हैं कौन सी पगड़ी कौन सा मुकुट ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारे बांके बिहारी को। आइए बांके बिहारी लाला आपको ड्रेस पहना देती हूँ। तो ये हमारे बाके बिहारी ने ड्रेस पहन ली है, तो इसे बढ़िया से सेट कर देते हैं हम ड्रेस को। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी बहुत अच्छे से सेवा करिए और आप उन्हें ठंड के सीजन में स्वेटर और टोपा ज़रूर पहनाइएगा। तो ये देखिए लड्डू गोपाल ने ड्रेस पहन ली है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है ये वाली ड्रेस। आराम से यहाँ आप इनको बिठाएंगे और बाकी का श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में हमारी भी स्किन सूखी सूखी हो जाती है, अजीब सी स्किन हो जाती है, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी को भी ये हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा देती हूँ। आज मैं ये आंवले का ऑयल लगाऊंगी हल्का सा लड्डू गोपाल को, तो बहुत अच्छा लगने लगता है। आप ऑयल की जगह मॉइस्चराइजर भी लगा सकती हैं। तो चलिए इस तरीके से मैं हल्की सी अपने ठाकुर जी को मैंने मसाज दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कान्हा का श्रृंगार। तो ये इसी मैचिंग की लाइट पिंक कलर की एक छोटा सा नेकलेस टाइप का है, इसे भी पहना देती हूँ। तो हमारे माधव जी को श्रृंगार करना बहुत अधिक प्रिय है। आप देखेंगे कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते होंगे तो उनके चेहरे में एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। और ये इनका हेयर बिग है, इसे भी पहना देते हैं अपने नटखट कान्हा को। और ये पगड़ी है, बट ये पगड़ी मुझे कुछ खास नहीं लग रही है। तो चलिए दूसरा मुकुट सेट करके देखते हैं कि वो कैसा लगता है। तो मैंने ये वाला इन्हें मैं मुकुट पहना रही हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इस ड्रेस के साथ। तो हमारे नटखट गोपाल का श्रृंगार कंप्लीट हो रहा है और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे कान्हा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं
और आप लड्डू गोपाल की अगर सेवा करते हैं तो आप उन्हें तुलसी चंदन, हरी चंदन, गोपी चंदन, उनको आप मस्तक पर लड्डू गोपाल को तिलक जरूर लगाया करिए। तो ये हमारे लड्डू गोपाल का चंदन श्रृंगार भी हो गया है। और ये हमारे नटखट कान्हा की बांसुरी है। तो अगर आप अगर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं तो उन्हें तिलक अवश्य लगाइए। बंसी भी उनके श्रृंगार का एक मुख्य हिस्सा है। और साथ ही आप लड्डू गोपाल को मोरपंख भी जरूर, मोरपंख से भी लड्डू गोपाल का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इसके बाद आप पुष्प समर्पित कर सकते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल का पुष्प से भी मैंने श्रृंगार कर दिया है। तो चलिए अब अपने ठाकुर जी की हम नज़र उतार देते हैं। तो नज़र उतारते समय आप अच्छा सा भजन सुना सकते हैं, गाना गा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। मैंने नज़र भी उतार दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करिए। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर टाइप करिएगा।